क्या मैं हाजिर हो सकता हूं? तशरीफ लाइए। शुक्रिया। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो आप ही पोस्टमास्टर किशोर प्रसाद जी हैं? जी हाँ, मैं लोकल कॉलेज में हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ। हाल ही में ट्रांसफर होके आया हूँ। मुझे दीनानाथ वर्मा कहते हैं। ओ, आप ही प्रोफेसर वर्मा हैं? जी हाँ। धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ पधारे। आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। फरमाइए, क्या हुक्म है मेरे लिए? हुक्म क्या, मानिए तो एक अर्ज है। हाँ हाँ, कहिए। मेरा इकलौता लड़का आर्मी में लेफ्टिनेंट है, मेरे पास है, मैं उसके लिए आपकी लड़की भावना का हाथ मांगने आया हूं। ये तो मेरे लिए सौभाग्य है प्रोफेसर साहब कि आप जैसे खानदानी आदमी और वो भी लड़के वाले होकर खुद चल कर आए। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया की क्या जरूरत है, वैसे आजकल लड़के लड़की में फर्क ही क्या है, दोनों की पढ़ाई लिखाई एक ही जैसी होती है। आपका कहना ठीक है, लेकिन लोग माने तब ना। क्या लड़के लड़की ने एक दूसरे को देखा है? जी नहीं, लेकिन मैंने लड़की को जरूर देखा है और मेरा ख्याल है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे। आप भी लड़का देख लीजिए, आज ही वो छुट्टी पर आ रहा है, इजाजत दे तो कल यहाँ भेज दूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, फिर भगवान ने चाहा तो शादी में देर नहीं लगेगी। शादी इतनी जल्दी, वो तो जरा मुश्किल है। क्यों? बात यह है, पहले मैं अपनी भतीजी की शादी करना चाहता हूँ, एक साथ दो दो शादियां। केशव प्रसाद जी, जहेज कहने कपड़े हमारी किसी किस्म की कोई मांग नहीं है, ये पुराने रस्म रिवाज हम नहीं तोड़ेंगे तो कौन तोड़ेगा। शादी पर एक टी पार्टी करेंगे, जो भी खर्चा आएगा आधा आपका आधा मेरा। प्रोफेसर साहब आप धन्य हैं, आप इंसान नहीं देवता हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, अभी जा सकते जाएंगे। माफ कीजिएगा प्रोफेसर साहब, बातों बातों में चाय तक पूछना भूल गया। कोई बात नहीं, मेरी चाय उधार नहीं, अगली बार दो दफा पी लूंगा। नमस्ते। नमस्ते भावना, जानती हो अभी भी कौन आया था? प्रोफेसर वर्मा। बेटी वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहिए। मुझे तो रिश्ता पसंद है, तुम्हारी क्या राय? तुम चुप क्यों हो, कुछ कहो ना। मैं क्या कह सकती हूँ, आपसे ज्यादा मेरी भलाई कौन सोच सकता है, आप जो ठीक समझे कीजिए। सुखी रहो बेटी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद थी। आओ बेटी, मेरी बेटी भावना, लेफ्टिनेंट अमर कुमार। नमस्ते। और मैं अनीता, इनकी छोटी बहन। खड़े क्यों है, बैठिए ना। बैठो बेटी, बैठो। हाँ तो आप कह रहे थे आजकल आपकी पोस्टिंग। जी, आगरा। आगरा, ओह ब्यूटीफुल, फिर तो आप रोज ताजमहल देखते होंगे। जी नहीं, कभी देखा था। पूनम की रात को जरूर देखा होगा। जी हाँ, एक बार देखा था। अच्छा बेटा तुम लोग बातें करो, मैं अभी आता हूँ। जी नहीं, आप बैठिए, मुझे इजाजत दीजिए। ये क्या बेटा, न कोई बातचीत की, न कुछ खाया पिया? शुक्रिया, इस वक्त जी नहीं चाहता। अच्छा नमस्ते। सुनिए, आप आए भी और चले भी, कोई हमसे भूल हो गई क्या? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या समझो बेटा, आप पिताजी से बात कर लीजिए। ठहरिए, क्या मैं जान सकती हूँ कि अगर आपको मेरे पिताजी का अपमान ही करना था तो यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे मालूम नहीं था कि तकदीर मुझे फिर से उसी दर पे लिए जा रही है जहाँ से मैं एक बार ठुकराया गया हूँ। ठुकराया गया हूँ, क्या मतलब? भावना देवी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। उस दिन आपके न आने से मुझे दुख नहीं, बल्कि ये सोचकर खुशी हुई कि आपने फैसला करते वक्त दिल से नहीं
दिमाग से काम लिया। क्या आपको मेरी चिट्ठी नहीं मिली? चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? तो आपको मालूम ही नहीं? क्या नहीं मालूम? बताओ भावना कि मुझे क्या नहीं मालूम? जिस दिन हम मिलने वाले थे अमर, उस दिन मुझे दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ा। मौत। मौत? मेरी माँ। माँ? बताओ भावना, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? बोलो भावना। उस वक्त वो जिंदगी की आखिरी सांस ले रही थी। मेरे घर पहुंचने से पहले ही उनकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। मैं बदनसीब उनके अंतिम दर्शन भी न कर सकी। भावना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, इसका स्वरूप में मुझे माफ कर दो। चलो, मैं अभी तुम्हारे पिताजी से बात करता हूँ। चलो भाग।